गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के बाद शहर में ऐसे हालात बन चुके हैं कि मृतकों को कफन दफन की भी किल्लत हो गई है। शहर के चारों कब्रिस्तानों में हादसे के बाद शवों की ऐसी बाढ़ आई कि कब्र खुदाई के इंतजार में शवों को कतार में लगाना पड़ा। ठीक यही स्थिति शहर के सातों शमशान घाट में भी देखी गई। यहाँ तो चिता सजाने के लिए ना तो जगह बची और ना ही अंतिम क्रिया कराने के लिए पंडित उपलब्ध हो पाए। ऐसे में यहाँ भी परिजनों को अपने शवों के साथ काफी देर तक बिलखने को मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि अभी भी काफी सारे शवों को कफन और दफन बाकी है। रविवार देर शाम मोरबी ब्रिज टूटने की वजह से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें ज्यादातर लोग स्थानीय थे। सोमवार को मोरबी पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन जब परिजन शवों को अंतिम गति देने के लिए शमशान और कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो कुछ ही देर में ऐसे हालात बन जाते हैं कि शवों की लंबी कतार लग जाती है। शहर के चारों कब्रिस्तानों में लगातार कब्रों की खुदाई का काम चल रहा होता है, तो वहीं सातों शमशान घाट में भी लगातार शव जल रहे हैं। चारों तरफ लोग बिलख रहे हैं, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, किसी के बेटा या फिर बेटी, सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा मासूम जिसके माता पिता भी वहां से खत्म हो चुके हैं, केवल उनके परिवार में बचा है तो वो 5 साल का मासूम। पूरी जिंदगी तो आदमी तमाम चीजों के लिए इंतजार करता ही है, मगर मरने के बाद भी इंतजार करना पड़े तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। लेकिन मोरबी हादसे के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोरबी हादसे के शिकार कई सारे लोगों को पहले अस्पताल में इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, वहीं जब मर गए तो पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करना पड़ा। इस दौरान शवों की दुर्गति तो हो ही रही थी, परिजनों का भी सब्र जवाब देने लगा था। जानकारी के मुताबिक शहर के चारों शमशानों में कब्र खोदने के लिए 150 लोगों को लगाया गया। सोमवार की शाम तक इन सभी लोगों ने 26 लोगों के दफन के लिए कब्र खोदी। वहीं मंगलवार को भी कब्रों की खुदाई का काम जारी है। आज दफन हो चुके सभी मृतकों के लिए जियारत और फातिहा भी पढ़ा जा रहा है। उधर शहर के सातों शमशानों में 20 से अधिक पंडित अंतिम क्रिया को संपन्न करा रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। मोरबी में जो कुछ हुआ, क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।